हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे आज जो आपकी क्लास रहेगी वो प्रायिकता की ही रहेगी बट प्रायिकता में जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है पासा पासा से भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो पासा को मैं करवाऊंगी और इससे पहले की जो क्लास थी वो वहाँ पर मैंने आपको सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन कराए थे जिसमें एक सिक्के वाला क्वेश्चन था दो सिक्के वाला और साथ साथ तीन सिक्कों को उछालने पर क्या क्या प्राय क्या क्या घटनाएं बनेंगी और उनकी क्या क्या प्रायिकता रहेगी वो आपको बता दिया था अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को देखने से पहले एक बार उसको देख लीजिए जिससे जो वहाँ पर पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे किस तरीके से प्रायिकता निकालते हैं कैसे क्या करते हैं तो जब आप उसको समझ लेंगे तो ये क्लास तो एकदम आपके लिए हलवा रहने वाली है शुरू करते हैं आपका पासा से संबंधित चलिए पासा तो सभी ने देखा होगा लूडो सभी ने खेला होगा खेला है कि नहीं और पता है कि जब पासे को हम फेंकते हैं तो पासों पर जितने भी तल होते हैं आपके उन पर क्या क्या संख्याएं आती हैं कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं फटाफट से बताइएगा कमेंट में एक आता है एक तो फिर दो तीन चार पाँच और छः एक पासे पर इन छः अंकों के अलावा और कोई अंक नहीं आता या तो एक आ सकता है या दो आ सकता है जब आप फेंकेंगे या तीन आता है या चार आता है या पाँच या छः खेला है ना सभी ने और सभी ने यूज़ किया है तो यहाँ पर जब प्रतिदर्श समिष्टि की बात करेंगे प्रतिदर्श समिष्टि का मतलब क्या था कि कुल घटनाएं तो यहाँ प्रतिदर्श समिष्टी की संख्याएं कितनी बन जाएंगी एन एस बराबर कितना हो जाएगा कितनी कंडीशंस आ रही हैं एक दो तीन चार पाँच और छः तो एनएस की संख्या कितनी हो जाएगी छः अब बात करते हैं आगे कि एक पासे को फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता बताइए आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं आपसे जिस तरीके की क्वेश्चन आएगा वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा तो पहला आपका क्वेश्चन है कि अंक पाँच से कम आने की प्रायिकता तो यहाँ पर देखिए अंक कौन कौन से आ सकते हैं पासा फेंकने पर एक दो तीन चार पाँच और छः ये अंक आ सकते हैं आपसे क्या पूछा है पाँच से कम अंक तो पाँच से अंक छः पाँच से कम अंक कितने हैं यहाँ पर देखो एक ये रहा दो तीन और चार पाँच से कम कितने हैं चार अंक हैं तो प्रायिकता क्या बन जाएगी यहाँ पर पी ई बराबर एन ई एन ई का मतलब होता है अनुकूल घटनाएं और बटे एन एस यानी कि टोटल घटनाएं तो कितनी बार आ सकता है पाँच से कम अंक चार बन रही हैं आपकी संभावनाएं है, चार घटनाएं बन रही हैं तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा चार टोटल घटनाएं कितनी हमने निकालनी थी स्टार्टिंग में ही छः निकालनी थी तो चार बटे छः डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा दो दूनी चार दो तिया छः तो पाँच से कम अंक आने की प्रायिकता आपकी बन जाएगी दो बटे तीन क्लियर अगला है विषम अंक आने की प्रायिकता कि हम पासे को फेंकें और पासे पर कैसा अंक आए हर कंडीशन में विषम अंक आए तो हमें इसकी प्रायिकता बतानी है पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी तो विषम अंक देखिए कौन कौन से हैं कितनी बार आ सकता है एक तो रहा एक इसके बाद और कहाँ है ये रहा विषम और ये रहा विषम कितने मिल रहे हैं आपको सेट तीन मिल रहे हैं तो यहाँ पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या बनेगी पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस अनुकूल घटनाएँ कितनी बन रही थी एन ई का मान कितना हो रहा था तीन तो यहाँ पर आ जाएगा तीन बटे टोटल घटनाएं कितनी थी छे तो तीन बटे डिवाइड कर दो तीन एकम तीन तीन दूनी नीचे तो कितनी बन जाएगी प्रायिकता एक बटे दो क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अंक पाँच आने की प्रायिकता आपको ये बताना है कि अंक पाँच कितनी बार आ सकता है तो यहाँ पर अनुकूल घटनाएं ढूंढो आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि हमें पता है टोटल घटनाएं है कितनी हैं तो हम सबसे पहले क्या ढूंढें अनुकूल घटनाएं हमें कितनी मिलेंगी तो अंक पाँच कहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ एक बार ही तो मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी संभावना पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस अनुकूल घटना कितनी है यहाँ पर अनुकूल घटना है एक और टोटल घटनाएं कितनी है छः तो एक छः कितना हो जाएगा एक बट्टे छः यही प्रायिकता बन जाएगी अंक पाँच के आने की अब ऐसे ही कोई आपसे पूछ दे कि अंक एक आने की या अंक दो आने की ठीक है कोई भी अंक आपको दे दे और पूछे इस अंक के आने की प्रायिकता क्या है तो देखो अगर अंक एक की पूछी जाए तो अंक एक आने की एक कितनी बार एक ही बार है ना तो अंक एक आने की प्रायिकता आपकी क्या बन जाएगी एक बटे छः टोटल घटनाएं कितनी थी छः टोटल में से एक ऐसे अगर दो की पूछे तो भी क्या बन जाएगी एक बटे छः ही बनेगी वो भी हर कंडीशन में तो प्रत्येक अंक आने की प्रायिकता कितनी है एक बटे छः एक बटे छः एक बटे छः ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता एक से बड़ा अंक तो यहाँ पर ही इसी क्वेश्चन पर ही आ जाइए आप लोग एक से बड़ा अंक आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है तो एक तो ये रहा कितने हैं एक से बड़े अंक एक ये दो ये तीन चार और पाँच तो अनुकूल घटनाएं बन रही हैं हमारे पास पाँच और टोटल घटनाएं कितनी थी छे. तो यहाँ पर अंक एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बन जाएगी पाँच बटे आ गया सभी को उम्मीद कर रही हूँ इजी है टॉपिक इतना टफ नहीं है जितना आप लोग डरते हैं देख के ठीक है यहाँ पर मैं पहले से फिर घटनाएं लिख देती हूँ एक दो तीन चार पाँच और छः टोटल यानी कि एन एस यहाँ पर एक पासे के लिए एन एस कितना रहता है छः रहता है सम अंक आने की प्रायिकता क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं सम अंक आने की प्रायिकता विषम अंक आने की प्रायिकता ठीक है तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या रहेगी बताओ सम अंक कितनी बार है एक ये सम रहा तीन सम होता नहीं है चार सम है पांच सम है नहीं छः सम अंक होते क्या हैं जो दो से डिवाइड हो जाते हैं तो कितनी है यहाँ पर अनुकूल घटनाएं कितनी मिली आपको अनुकूल घटनाएं मिल गई तीन बटे टोटल घटनाएँ तो तीन बटे छः यानी कितनी बन जाएगी तीन एकम तीन तीन दूनी छः तो सम अंक आने की प्रायिकता कितनी रहेगी एक बटे दो आ गया सभी को उम्मीद तो यही है सभी को समझ में आ ही गया होगा अगला है आपका क्या प्रश्न चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता चार से बड़ा अंक तो देखिए चार से बड़े अंक कितने हैं चार से बड़ा अंक कौन कौन सा एक तो ये रहा और एक ये रहा कितने हैं केवल दो हैं तो यहाँ पर आपकी अनुकूल घटनाएं कितनी बन जाएंगी पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस ये तो सूत्र होता है अनुकूल घटनाएं कितनी बनी थी यहाँ पर चार से बड़े अंक केवल दो थे तो चार से बड़े अंक कौन हो जाएंगे दो बटे टोटल घटनाएँ एन एस कितना है छः है इस कंडीशन में तो दो बटे छ कितना हो जाएगा दो एकम एक दो, दो, दो तीन छ यानी कि एक बटे तीन प्रायिकता रहेगी क्लियर ऐसे ही बोल सकता है चार से छोटे अंक आने की प्रायिकता तो चार से छोटे अंक कितने हैं एक दो और तीन तब प्रायिकता क्या बन जाएगी तीन बटे टोटल घटनाएं छ तीन बटे छः यानी कि एक बटे दो तो प्रश्न कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है आपको हर एक प्रश्न के लिए तैयार रहना है, है और एक ही क्वेश्चन से हज़ारों प्रश्न यहाँ बन जाते हैं अगला है आपका भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ये बताना है कि भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है तो इस कंडीशन में देखो भाज्य संख्याएँ कौन कौन सी हैं यहाँ मैं वापस से इसको लिख देती हूँ एक बार रेस करके एक दो तीन चार पाँच और छः आपको भाज्य संख्या पहले तो ढूंढनी में से भाज्य कौन कौन सी तो देखो एक भाज्य ना तो भाज्य ना अभाज्य दो क्या है अभाज्य संख्या है तो भाज्य में काउंट नहीं होगी तीन क्या है अभाज्य है चार क्या है भाज्य संख्या पाँच कैसी है अभाज्य है और छः कैसी है भाज्य तो टोटल कितनी मिली दो मिली तो यहाँ पर एन ई का मान कितना हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस एन एन ई कितना मिल गया यहाँ दो और टोटल घटनाएं पहले से ही चल रही हैं एक पासे के लिए छः पूरा अभी मैं एक पासे के क्वेश्चन करा रही हूँ ठीक है तो यहाँ डिवाइड कर दो अगर डिवाइड हो तो करना नहीं हो तो ऐसे ही छोड़ देना दो एक कम दो दो तीन छः तो यहाँ प्रायिकता बन जाएगी एक बटे तीन तो यहाँ कितना हो जाएगा पी ई बराबर एक बटे तीन सेम ऐसी अगर आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है तो यहाँ अभाज्य संख्या हैं कितनी देखो एक एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य तो ये तो कट गई ये तो चली गई बाकी की अभाज्य आपको मिल रही हैं कौन कौन सी पहली अभाज्य मिलेगी दो दूसरी अभाज्य मिलेगी तीन और तीसरी अभाज्य मिल रही है पाँच यानी कितनी घटनाएं मिल रही हैं अनुकूल तीन घटनाएं मिल रही हैं तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी अगली कंडीशन में पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस इक्वल कितनी मिली थी तीन बटे छः डिवाइड करो तीन एकम तीन और तीन दोनी छः यानी कि एक बटे दो क्लियर हो गया चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ इसका जिसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट में कि अंक दो से बड़े अंक आने की प्रायिकता दो से बड़ा अंक आने की प्रायिकता और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो जिससे पता चले और बाकी के बच्चों का भी मनोबल बढ़ता रहे दो से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ठीक है कमेंट में इसका आंसर टाइप करना दो से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी रहेगी अगला आपका है क्या है टॉपिक दो पासों वाला टॉपिक रहेगा ठीक है जब हम दो पासों को फेंकते हैं तो उसके लिए सिचुएशन देख लीजिएगा जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो एक पासे पर कितने अंक आ सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः में से कोई भी अंक आ सकता है आ सकता है या नहीं और दूसरे पासे पर भी सेम ऐसे से ही अंक आएंगे एक दो तीन चार पाँच और छः में से तो हमें ये बताना है हमारी प्रतिदर्श समिष्टि क्या बनेगी इस कंडीशन में तो यहाँ पर हम एन एस की संख्या सबसे पहले निकाल लेते हैं तो हम क्या करें फिक्स कर ले रहे हैं कि पहले पासे पर एक आ रहा है और पहले पासे पर दो आ रहा है अगली कंडीशन में तीन फिर चार फिर पाँच और फिर क्या आएगा छः अब दूसरे पासे पर जो अंक रहेंगे उनको बदलते हुए हम अपनी बनाते हैं समिष्टियों की संख्या पहले पर एक आया दूसरे पर मानो एक आया अगली कंडीशन में आ गया दो ठीक है ये वाला हमने फ़िक्स कर रखा है अगली कंडीशन में क्या आएगा एक कॉमा तीन फिर अगली कंडीशन में क्या मिल जाएगा एक कॉमा चार ऐसे ही नेक्स्ट एक कॉमा पाँच और फिर अगला आ जाएगा एक कॉमा छः पहले पासे को हमने फ़िक्स करके रखा है आगे बढ़ते हैं अगले में पहले पासे पर अब दो हमने फिक्स कर लिया अब बाकी के दूसरे पासे की संख्या चेंज करते जाओ तो क्या बन जाएगा दो एक नेक्स्ट कंडीशन में दो दो नेक्स्ट कंडीशन में दो कॉमा तीन नेक्स्ट कंडीशन में दो कॉमा चार अगली कंडीशन क्या बनेगी दो कॉमा पाँच फिर अगली क्या बनेगी दो कॉमा छः पहले पासे को हमने फिक्स कर लिया था उसके बाद हमने दूसरे को चेंज करते गए और सेमिस्ट्रियों की संख्या निकाल ली सेम आगे ऐसे ही निकाल लो अगला क्या बन जाएगा तीन कॉमा एक तीन कॉमा दो तीन कॉमा तीन तीन कॉमा चार तीन कॉमा पाँच और तीन कॉमा आगे क्या बन जाएगा चार कॉमा एक चार कॉमा दो चार कॉमा तीन चार कॉमा चार चार कॉमा पाँच चार कॉमा छः नेक्स्ट क्या बनेगा आपका पाँच है तो पाँच कॉमा एक पाँच कॉमा दो तीन चार पाँच कॉमा पाँच और पाँच कॉमा छ लास्ट कंडीशन है आपकी यहाँ बना लो छः कॉमा एक छः छा दो छः छा तीन छः छाँ चार और छः छा पाँच और छः कोमा छः ये सबसे आसान तरीका है इससे कभी गड़बड़ नहीं होगा और आसानी से फटाफट से निकल आए टोटल कितनी संख्याएं है ये तो टोटल यहाँ कितनी रो हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ कितने हैं सॉरी कॉलम थे सिक्स और रो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो कितने बन जाएंगे समस्टियों की संख्या बराबर छः गुणा छः यानी कि छत्तीस होंगी टोटल घटनाएं कितनी बनेगी यहाँ छत्तीस ठीक है तो अब तो दो पासों को हम फेंकेंगे तो टोटल घटनाओं की संख्या कितनी रहेगी थर्टी सिक्स आ गया समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि दो पासों को फेंकने पर प्रतिदर्शी प्रतिदर्श समिष्टी की संख्या कितनी रहेगी तो एन एस बराबर मेरा रहेगा कितना थर्टी सिक्स कैसे निकला वो मैंने आपको बता दिया अब एक चीज़ और ध्यान करने समझने वाली है कि यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे या तो योगफल से पूछ सकते हैं कि हमने दो पासों को फेंका और दोनों पे जो जो अंक आ रहे हैं उनका योगफल दो से अधिक आने की प्रायिकता या अंक योगफल दो आने की प्रायिकता योगफल तीन आने की प्रायिकता इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर देख लो योगफल दो कहाँ पे मिलेगा ये देखिए एक और एक, एक पासे पर एक दूसरे पर भी एक आया तो योगफल यहाँ कितना मिल जाएगा एक और एक दो तो तो इस पर मैं इस तरीके से बना रही हूँ एक और एक कितना मिल गया दो अब योगफल तीन तो इसको देखो दो और एक कितना हो रहा है तीन और एक और दो कितना हो रहा है तीन तो इस तरीके से इसको समझते हुए चलना इनको योगफल के लिए मतलब योगफल तीन आने के लिए कितने सेट मिलेंगे आपको दो सेट मिलेंगे अगले में योगफल चार आने के लिए सेट देख लीजिएगा चार आने के लिए कितने सेट मिल रहे हैं आपको तीन सेट मिल रहे हैं तो आप इस तरीके से इनको तैयार करो अगला योगफल पाँच आने के लिए तो चार और एक पाँच तीन दो पाँच दो तीन पाँच और एक चार पाँच ठीक है इसमें क्या आएगा योगफल यहाँ मैं योगफल लिख रही हूँ जिससे आपको परेशानी नहीं हो समझने में ठीक है ये सब योगफल लिखे जा रहे हैं अब योगफल पाँच भी मिल गया इसके बाद योगफल छः आपको मिलेगा तो देखो यहाँ पाँच और एक छः चार दो छः तीन तीन छः दो चार छः और पाँच और एक छः ठीक है योगफल क्या मिलेगा इस वाली पूरी रो में छः योगफल मिलेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से अवयप काउंट कर पाओगे कि कितने सेट मिल रहे हैं मुझे अगली कंडीशन में यहाँ पर देख लीजिएगा सात आने का तो छः और एक सात पाँच दो सात चार तीन सात तीन चार सात दो पाँच सात और एक छः सात ठीक है इनका योगफल कितना रहेगा सात रहेगा सेम अब मैं उल्टा यहाँ से चलती हूँ इनका योगफल कितना आएगा बारह आएगा छः और पाँच का योगफल कितना ग्यारह और पाँच और छः का योगफल कितना हो जाएगा ग्यारह यहाँ योग मिलेगा ग्यारह अगली कंडीशन है आपकी यहाँ देखो छः चार दस पाँच पाँच दस और चार छः दस तो यहाँ जो योगफल मिलेगा वो कितना मिलेगा दस मिलेगा सेम इसी प्रकार से अगला जो आपका रहेगा यहाँ पर छः तीन नौ पाँच चार नौ चार पाँच नौ तीन छः नौ योगफल कितना मिलेगा यहाँ पर नौ तो अगली कंडीशन में तो आपको पता ही है योगफल कितना मिलने वाला है आठ तो मैंने ये योगफल इनके साइड में लिख दिया अब आप समझ गए ये किस तरीके से होगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आया कि दो पासों को फेंकने पर सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता यहाँ पूछा है कि हमने दो पासों को फेंका और सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता कितनी है तो सम अंक ऊपर आने के लिए आपको देखना है कि जब हम दोनों पासों पर सम अंक पूछ रहे हैं ना कि दोनों पासों पर सम अंक आने की प्रायिकता कितनी रहेगी तो आपको इनमें से ऐसे सेट फाइंड करने हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो में सम अंक ही मिले क्लियर है ना यहाँ प्रत्येक समिस्ट्री की संख्या लिख दूं मैं टोटल कितनी है थर्टी सिक्स क्या पूछा है दोनों पासों पर सम अंक सम अंक हैं कौन कौन से हमारे पास एक दो तीन चार पाँच और छः में सम कौन कौन से हैं ये रहे सम तो दोनों पासों पर इनके अलावा और कोई अंक ना मिले तो देखो यहाँ पर एक वाली लाइन मिल गई तो ये विषम मिला तीन वाली में भी एक अंक विषम आ रहा है और पाँच वाली में भी एक अंक विषम आ रहा है तो आपको कौन कौन सी लाइन में ढूंढना पड़ेगा दो चार और छः वाली लाइन में चलिए ढूंढिए पहला क्या दो और एक तो ये तो क्या है एक विषम मिला एक सम मिला ये हमारा होगा नहीं अगला क्या है एक और दो और दो दोनों ही सम मिल गए नेक्स्ट आपको सम मिलेगा दो और चार उसके बाद मिलेगा दो और छः सेम चार की लाइन में ढूंढोगे तो चार और दो सम मिलेंगे चार चार मिलेंगे चार और छः मिलेंगे इसके बाद छः वाली लाइन में भी सेम छ दो छः चार और छः देखिए कंडीशन फुलफिल हुई है कि नहीं दोनों पर सम अंक दोनों पर सम अंक है नहीं कि दोनों पासों पर सम मिल गए कि नहीं अब कितने सेट बने है? ये काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छः सात गलत काउंट कर रही हूँ मैं शायद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सही कर रही हूँ ठीक है चलो तो यहाँ पर पी ई -E कितना हो जाएगा पी ई -E बराबर एन ई अपॉन एन एस कुल अनुकूल घटनाएँ कितनी थी नौ और टोटल घटनाएँ छः नौ एकम एक नौ नौ चौक छत्तीस यानी कि एक बटे चार रहेगी प्रायिकता सम अंक ऊपर आने की क्लियर हो गया कि नहीं चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोनों पासों पर विषम अंक ऊपर आने की प्रायिकता तो ढूंढते हैं यहाँ पर कि विषम अंक हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं तो वो अब आपको उल्टा मिलेगा अब वो कहाँ मिलेंगे एक दो और एक तीन और पाँच की लाइन में ठीक है विषम अंक ऊपर कहाँ मिलेंगे एक तीन और पाँच की लाइन में तो फटाफट से एक तीन और पाँच की लाइन को चेक करिएगा पहला विषम ये मिलेगा दूसरा विषम ये रहा तीसरा ये रहा नेक्स्ट कंडीशन में तीन की लाइन में तीन और एक तीन तीन तीन, तीन पाँच फिर पाँच की लाइन में पाँच एक पाँच तीन और पाँच पाँच ये रहे विषम अंक तो अनुकूल घटनाएं यहाँ भी कितनी बन जाएंगी? छः बन जाए सॉरी नौ बन जाएंगी और टोटल कितनी है आपकी छत्तीस तो पी ई बराबर हो जाएगा नौ बटे छत्तीस नौ एकम नौ नौ चौक छत्तीस एक बटे चार आ गया आपका आंसर अगला है अंकों का योग चार आने की प्रायिकता। ये पूछ रहे हैं कि अंकों का योग कितना आए चार आए तो यहाँ पर वापस से आ जाओ अब इसको आप किस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, को दो तरीके से कर सकते हैं कैसे या तो आप बना लो कैसे चार आ सकता है बताइए या तो क्या मिल जाए हमको एक और तीन मिल जाए या ऐसा हो सकता है कि पहले पर तीन आ जाए दूसरे पर एक आ जाए या ऐसा हो सकता है कि दोनों पासों पर क्या आ जाए दो दो तभी तो अंकों का योग चार बनेगा देखो तीन और एक चार और यहाँ भी तीन एक चार यहाँ दो दो चार या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो मैंने कौन सी लाइन बताई थी चार वाली ये लाइन थी तीन और एक चार दो दो चार एक और तीन चार ठीक है तो अंक चार आने के लिए अनुकूल घटनाएँ कितनी बन गई हमारे पास पहला सेट दूसरा सेट और तीसरा सेट तो यहाँ पर एन ई की संख्या हो गई तीन तो यहाँ प्रायिकता पी ई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस एन ई की संख्या कितनी हो गई तीन और एन एस कितना है छत्तीस दो पासों के लिए कितना चल रहा है छत्तीस तीन से डिवाइड करो तीन एक कम तीन तीन, एकम तीन एक कम तीन तीन यानी कि एक बटे बारह निकल के आ गई प्रायिकता आ गया समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका अंकों का योग पाँच आने की प्रायिकता तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है अंकों का योग पाँच देखिए किस तरीके से आ सकता है या तो आपको ऐसे मिल जाए दो कौमा तीन ठीक है या मिल जाए तीन कौमा दो तब भी पाँच आएगा या फिर मिल जाए एक कौमा चार या मिल जाए चार कौमा एक इसके अलावा और कोई अंक मिल जाएगा तो पाँच नहीं आएगा जैसे मानो एक पाँच पर एक आया एक पर आया तीन तो तीन और एक कितने हो गए चार इसके लिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कुछ इस तरीके से कौन सा वाला एरो बताया था ये वाला चार और एक पाँच तीन दो पाँच दो तीन पाँच ये वाला ये बताया था पाँच कितने अब कितने सेट मिल रहे हैं यहाँ एक दो तीन चार और यहाँ भी देखो मैंने कितने निकाले एक दो तीन चार तो यहाँ पर पाँच आने की अंकों का योग पाँच आने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी एन ई अपॉन एन एस अनुकूल घटनाएँ कितनी हैं चार तो टोटल घटना है छत्तीस तो चार एकम चार और चार निम छत्तीस यानी कि एक बटे नौ अब देखो चाहे तो आप यहाँ ढूंढने चले जाओ चाहे आप उनको इस तरीके से लिख लो जैसा आपको ठीक लगे मुझे ये ठीक लगता है तो मैं ऐसे कर देती हूँ और ये हमने बनाया है तो इसलिए ढूंढना आसान है यहाँ समझना आसान है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो जब अभाज्य यह सब मिलेगी तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या अंकों का योग फल दो आने की प्रायिकता तो देखो जब एक कॉमा एक आएगा तभी दो बनेगा इसके अलावा पासे पर कभी दो आ रहा कभी एक आ रहा तो वहाँ तीन बन जाएगी संख्या ठीक है यहाँ पर भी समझा देते हैं कौन सा बताया था अंकों का योग दो इस कंडीशन में आता है तो सेट कितना बन रहा है यहाँ पर एक तो यहाँ पी ई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस ठीक है कितना हो जाएगा एक बटे छत्तीस अवयव एक ही बन रहा कंडीशन घटना एक ही बन रही ठीक है संख्या एक ही घटित होने की नेक्स्ट है अंकों का योगफल दस आने की प्रायिकता सभी इसका आंसर कमेंट में टाइप करके मुझे बताइएगा और मैं रिप्लाई करूंगी जिसका ठीक होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है अंकों का योगफल छः आने की प्रायिकता सेम इसका भी आप लोग कमेंट में टाइप करोगे और इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर वन इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर टू ठीक है two, जब आंसर टाइप करना तो लिख देना क्वेश्चन नंबर वन का आंसर ये क्वेश्चन नंबर वन टू का आंसर ये आगे है आपका दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता तो समान अंक कौन कौन से उसमें आ सकते कंडीशन में एक एक मिल जाए ठीक है दो दो आ जाए या फिर दोनों पासों पर तीन कॉमा तीन आ जाए या दोनों पासों पर चार कॉमा चार आ जाए या फिर दोनों पासों पर पाँच कॉमा पाँच आ जाए या फिर दोनों पासों पर छः कॉमा छः आ जाए इसके अलावा और कोई संभावना नहीं और कोई घटना नहीं बनेगी यही तो होगा अपने इसमें देखना है जो हमने किया था तो यहाँ पर बनता है आपका ये वाला कंडीशन एक सेकेंड मैं बता देती हूँ आपको यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी ये वाली लाइन बन रही है कि नहीं एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः समान अंक बस इसी कंडीशन में आएंगे तो प्रायिकता यहाँ फटाफट से अब आप डिफाइन कर सकते हो पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस अनुकूल घटना कितनी है एक दो तीन चार पाँच छः छः बटे टोटल घटनाएं कितनी थी हमारे पास छत्तीस छ एकम छः छिंग छत्तीस एक बटे छः रहेगी समान अंक के ऊपर आने की प्रायिकता ठीक है अगला है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कैसी आने की अभाज्य आने की प्रायिकता अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी तो आपकी है दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह लेकिन तेरह का यहाँ का कोई काम नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या जोड़ने पर मिलेगी आपको बारह और सबसे छोटी मिलेगी आपको दो तो तेरह का यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं है चलिए तो अब हम ढूंढते हैं कि अंकों का योगफल कहाँ कहाँ आपको मिलेगा दो तीन पाँच और सात तो एक तो यहाँ पर दो मिल जाएगा तीन कहाँ पर मिलता है इस वाली लाइन में दो और एक तीन एक और दो तीन पाँच कहाँ मिलता है तो ये वाली जो आपकी लाइन थी चार एक पाँच तीन दो पाँच तीन दो तीन पाँच चार एक यहाँ योगफल दो पाँच सॉरी अभाज्य पूछ रहा है ठीक है योगफल अभाज्य अंक का योगफल सात कहाँ मिलेगा तो सात मिलता है इसमें छः एक सात पाँच दो सात चार तीन सात तीन चार सात दो पाँच सात एक छः सात और फिर क्या चाहिए हमको ग्यारह अभाज्य है ग्यारह ग्यारह कहाँ मिलेगा यहाँ पर छः पाँच ग्यारह और पाँच छः ग्यारह तो कितनी कंडीशन मिल रही है सारे के सारे हो गए कि नहीं हो गए यहाँ दो मिला यहाँ तीन मिला फिर पाँच फिर सात और फिर ग्यारह तो अब अवयवों को काउंट कर लो हैं अवयव कितने तो पहला एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह तो टोटल क्या बनेगी यहाँ पंद्रह बटे छत्तीस तीन से डिवाइड करो तीन पंजे पंद्रह तीन एकम तीन तीन दो नीचे कितना आ जाएगा पाँच बटे बारह पी ई बराबर कितना आ गया पाँच बटे बारह उम्मीद कर रही हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग ठीक है ना हाँ अंकों का योग्य योग आवाज़ पूछा था नेक्स्ट है दो पासों को फेंकने पर दोनों पासों पर सम अंक ऊपर आने की प्रायिकता तो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया था चलो भाई फिर इतना ही रखेंगे आज जो दो क्वेश्चन आपको बताए थे उनका आंसर टाइप करना और प्लीज़ भाई लाइक और शेयर करने में कंजूसी क्यों करते हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करा करो जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे और जो नए बच्चे आ रहे हैं क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो नई क्लासेज हैं वो आपको मिलती रहेंगी टाइम पर और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बब्बाई टेक केयर